स्टेट है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी स्टेट में किया जाता है, तो ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटका, सी है केरला और डी है बिहार। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो पुलिकत लेक है ना, पुलिकत लेक के पास जो है यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी आती है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15,000 फ्लेमिंगोज जो होते हैं हर साल जो है रिपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फेस्टिवल के दौरान मतलब उस टाइम पीरियड में जो है 15,000 अप्रॉक्सीमेटली जो फ्लेमिंगोज होते हैं वो वहाँ पर आते हैं उस लेक के पास, इसलिए उस दिन को फ्लेमिंगो मतलब उन डेज को फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो कुंभ मेला जो है वो कब और कितनी देर बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया में, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज एवरी 4 ईयर्स एट 3 लोकेशंस, बी इज एवरी 12 ईयर्स इन 4 लोकेशंस, सी एवरी 3 ईयर्स इन 4 लोकेशन एंड डी एवरी 4 ईयर्स एट 4 लोकेशन। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हर 12 साल में 4 जगह पे जो है कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप अपना अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और एंड में जो है स्कोर भी बताइएगा कि आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपने कितने करेक्ट आंसर जो है वो मार्क किए। सो, इसका राइट आंसर जो है वो है एवरी 12 ईयर्स एट 4 लोकेशंस। वो 4 लोकेशंस हमारी क्या हैं, प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग, देन हरिद्वार, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन एंड नासिक। ये जो हैं 4 लोकेशंस हैं जहाँ पे हर 12 साल बाद जो है कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रयागराज में यूपी में, ठीक है, यूपी में आता है ये, हरिद्वार इन उत्तराखंड, ठीक है, उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र। तो ये 4 जगहें जो हैं, 4 स्टेट्स जो हैं, इनकी ये 4 लोकेशंस पे जो है हर 12 साल में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स इज इन विच स्टेट। तो जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, ये कौन सी स्टेट में है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है ये क्या है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, बेसिकली हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है, जैन और हिंदू टेम्पल्स का ये जो है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। और ये जो खजुराहो मोनूमेंट्स हैं ना, ये 950 से 1050 AD के बीच में जो है ये बनाई गई थी बाय चंडेला डायनेस्टी, ठीक है, बाय चंडेला डायनेस्टी जो है ये ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स जो हैं बनाए गए थे, जो कि हिंदू और जैन टेम्पल्स का ग्रुप है, ठीक है। सो ये कहाँ पे है हमारी, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है थर्ड का राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अरब्स क्यू। तो अरब्स क्यू क्या है, ऑप्शन नंबर ए अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, बी अ फॉर्म ऑफ स्कल्पचर डेकोरेशन, सी अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन और डी अ फॉर्म ऑफ फोक डांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अरब्स क्यों क्या है, ये एक तरह की डेकोरेशंस हैं जहाँ पे ना लीव्स वगैरह, ठीक है, लीव्स, टेंड्रिल्स और मतलब ऐसे डिज़ाइंस जो हैं सरफेस डेकोरेशन की जाती है। बेसिकली ये जो है सबसे पहले जो है 13th century में जो है ये यूज़ किए गए थे। दिल्ली में जितने भी मोनूमेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट जो हैं अरब्स क्यू डेकोरेशन से ही बनाए गए हैं, ठीक है, इसी की मदद से। बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर हम देखें अरब्स क्यू की, तो हमारी जो ताजमहल है उसकी जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, उसकी जो सरफेस डेकोरेशन है, जो भी वॉल्स पे डेकोरेशन है, वो सब जो है अरब्स क्यू डेकोरेशन है, ठीक है। ताजमहल हो गया, अकबर टॉम्ब हो गया, ठीक है, अकबर टॉम्ब, जितनी भी अगर आप मुग़ल मोनूमेंट्स देखोगे, बेसिकली मुग़ल मोनूमेंट्स सब जो हैं वो अरब्स क्यू डेकोरेशन से ही ज़्यादा बनाई गई हैं, यही डेकोरेशन जो है वहाँ पे हुई है। तो अरब्स क्यू बेसिकली मैंने इसलिए क्वेश्चन रखा कि जो भी मुग़ल हमारी मोनूमेंट्स हैं ना, तो वहाँ पे जो भी डेकोरेशंस वगैरह आर्टिस्टिक हुई हैं, आपने ताजमहल की देखी होगी, तो वो सब जो है उसको अरब्स क्यू बोला जाता है। और ये इंडिया में जो है ये काफ़ी सारी जगहों पर जो है देखा जाता है, ठीक है। सो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक डेकोरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चरल रॉ मटेरियल ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। तो अकबर के दौरान जो है आर्किटेक्चरल रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ए है मार्बल, बी है ब्रिक, सी है लाइमस्टोन और डी है रेडस्टोन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, रेड स्टोन वॉज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम. ठीक है, उस टाइम पे जितने भी मोनूमेंट्स बनती थी या कुछ भी बनते थे उनमें बेसिकली रेड स्टोन ही लगाया जाता था. ठीक है, सो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. सिक्स क्वेश्चन, मांड इज अ फोक म्यूजिक आर्ट ऑफ विच स्टेट. तो जो मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं ना, ये हमने पहले जितने भी कल्चर एंड हेरिटेज पे वीडियोस लाई हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस हमने कवर नहीं किए थे, तो इसलिए आज मैंने उनसे हट के डिफरेंट क्वेश्चंस लाए हैं. तो आप ये मत समझिएगा कि ये मुश्किल है, इससे आपको उल्टा नॉलेज ही मिल रही है, आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएंगी आज की वीडियो से. ठीक है, सो बाकी जो मैंने कल्चर एंड हेरिटेज की वीडियो हमारे चैनल पर है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा. तो मांड जो है ये फोक म्यूजिक आर्ट है, ये कौन सी स्टेट की है? तो ए है हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी गुजरात. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में जो है जितने भी राजपूत रूलर्स होते थे ना, राजपूत रूलर्स के उनकी जो रॉयल कोर्ट होते थे वहाँ पे जो है ये मांड म्यूजिक फोक आर्ट जो है ये यूज़ किया जाता था. ठीक है, वहाँ पे जो भी म्यूजिक होता था या फोक डांस होते थे, फोक आर्ट, आर्ट बेसिकली ये बोला जाता है, तो उसको मांड कहते थे. ठीक है, कहाँ पे? राजपूत रूलर्स के टाइम. ठीक है, सो ये इसका सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान. सेवन्थ क्वेश्चन, गोटापट्टी इज अ टाइप ऑफ इंडियन एम्ब्रॉयडरी दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम. तो गोटापट्टी सबको पता होगा कि ये एक इंडियन एम्ब्रॉयडरी है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ये कहाँ से, कौन सी स्टेट से जो है ओरिजिनेट हुई है. तो ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी राजस्थान. तो इसका राइट आंसर भी हमारा राजस्थान है. ठीक है, राजस्थान में जितने भी ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्ट होती है ना, रॉयल पीपल के लिए ही बेसिकली, रॉयल जो लोग थे ठीक है उनके लिए ट्रेडिशनल जो आर्ट जिसमें बनाए जाते थे, उनके ड्रेसेस बनाए जाते थे या कुछ भी, तो उसमें जो है गोटापट्टी का यूज़ किया जाता था. ठीक है, ये बेसिकली क्या सिंबलाइज करता है? गोटापट्टी सिंबलाइजेस रॉयल फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल. तो इसलिए राजस्थान में बेसिकली ये जो है ये ट्रेडिशन जो है स्टार्ट किया गया था. ठीक है, सो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. एट्थ क्वेश्चन, एलोरा एंड आर्कियोलॉजिकल साइट वॉज बिल्ट बाय रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी. तो एलोरा जो है, ठीक है, एलोरा केव्स आपको पता होगा, तो ये जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाई है? तो एलोरा केव्स कहाँ पे हैं ये सबको पता होना चाहिए, औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में एलोरा केव्स हैं. ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है एलोरा केव्स. ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाए हैं? तो ए है चालुक्य, बी है राष्ट्रकूटा, सी है चोलास और डी है चंडेला. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूटास. ठीक है, राष्ट्रकूटास जो थे इन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा केव्स बनवाए थे. ठीक है, और अभी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है एलोरा केव्स को भी इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है एलोरा केव्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये किन्होंने बनवाए थे? राष्ट्रकूटाज ने. ठीक है, सो एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. नाइन्थ क्वेश्चन, विच इंडियन अकेडमी इज प्रोमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक. तो कौन सी इंडियन अकेडमी जो है वो प्रोमोट करती है ये तीनों चीज़ें, डांस भी, ड्रामा भी और म्यूजिक भी? तो ए है साहित्य अकेडमी, बी है ललित कला अकेडमी, सी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और डी है संगीत अकेडमी. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, संगीत अकेडमी जो है ये प्रोमोट करती है हमारी डांस, ड्रामा और म्यूजिक को. तो नाइन्थ का डी राइट आंसर है. टेंथ क्वेश्चन, वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड. तो जो हमारा पुष्कर मेला लगता है ये इन चार ऑप्शंस में से कौन सी जगह लगता है? तो ए है उदयपुर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी है अजमेर. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अजमेर में जो है पुष्कर मेला जो है वो लगता है. तो टेंथ का डी आंसर है. आई होप मैक्सिमम का 10 में से 8 स्कोर तो अभी तक रहा ही होगा. ठीक है, सो अपना टोटल स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में सब ज़रूर बताइएगा. सो 11th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायणा. तो ऐसी कौन सी स्टाइल है डांसिंग की जहाँ पे स्टोरी जो है, थीम जो है डांस की, वो हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है? ठीक है, सो ए है भरतनाट्यम, बी है मोहिनीअट्टम, सी है ओडिसी और डी है कुचिपुड़ी. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, भरतनाट्यम जो है इसमें हमेशा जो डांस की थीम होती है वो या तो महाभारत से ली जाती है या रामायण से ली जाती है. तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम. 12th क्वेश्चन, द फेमस ट्रेडिशनल डांस रोफ
इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो रोफ डांस जो है ये इनमें से कौन सी चार इन जगहों में से कौन सी से एसोसिएटेड है. तो ए है आंध्र प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है J&K और डी है नागालैंड. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी J&K. ठीक है, J&K में सबको पता होना चाहिए कश्मीरी वुमेन, बेसिकली जो कश्मीरी वुमेंस होती हैं, ठीक है, कश्मीर में ही ये परफॉर्म किया जाता है बाय कश्मीरी वुमेंस. ठीक है, वो इसको जो है इस डांस फॉर्म को चक्री डांस फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे वो ग्रुप बना के जो है एक परफॉर्मेंस देती हैं. और ये कहाँ पे फेमस है, हमारे जम्मू कश्मीर में. तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. 13th क्वेश्चन, द डेजर्ट फेस्टिवल एन एनुअल इवेंट इन राजस्थान इज हेल्ड एट. तो राजस्थान में हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसको डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं. तो ये इनमें से कौन सी जगह पे होता है. ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है बाड़मेर और डी है जैसलमेर. तो 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर. ठीक है, जैसलमेर में जो है डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे जो भी लोकल फोक आर्ट होती है ना, लोकल फोक आर्ट कल्चर जो है वो वहाँ पे दिखाया जाता है. ठीक है, कैमल रेसिस होती हैं इस दौरान. ठीक है, एरोबैटिक्स वगैरह इस, मतलब ये फेस्टिवल पूरा जो है मनाया जाता है हर साल कहाँ पे, जैसलमेर में. ठीक है, 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युस्क्रिप्ट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर. तो यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में एक इन चार ऑप्शन इन में से एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इंक्लूड की गई है. तो वो कौन सी है. ए है ऋग्वेदा, बी है रामायणा, सी है महाभारत और डी है नन ऑफ द अबव. तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेदा. ठीक है, ऋग्वेदा जो है इसको यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है. ये इंपॉर्टेंट भी है, आप हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन. ठीक है, अब मुझे आपने इस बार कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो हमारा सत्यमेव जयते है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये हमारी कौन से वेद में से लिया गया है वर्ड. ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ये वाला क्वेश्चन जो है कवर किया है. तो अगर आप हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा. तो सत्यमेव जयते जो है ये कौन से वेदा से लिया गया है. तो 14th का राइट आंसर था हमारा ऋग्वेदा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. 15th क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया. तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पहला जो मदरसा था वो कौन सी जगह पे बनवाया था. तो ए है कैलकटा, बी है मद्रास, सी है बॉम्बे और डी है दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, कैलकटा, नाउ नोन एज कोलकाता. तो यहाँ पे जो है पहला मदरसा जो था बाय ब्रिटिशर्स इंडिया में बनाया गया था. ठीक है, सो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. 16th क्वेश्चन, कथक इज़ द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ. कथक जो है वो कौन सी, इंडिया के कौन से पार्ट का जो है प्रिंसिपल क्लासिकल डांस फॉर्म है. तो ए है सदर्न इंडिया, बी है नॉर्दर्न इंडिया, सी है ईस्टर्न इंडिया और डी है वेस्टर्न इंडिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में जो है कथक जो है डांस फॉर्म वो उसको प्रिंसिपल डांस फॉर्म की तरह देखा जाता है. और ये फेमस है कहाँ पे, हमारी नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है, नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन जगहों पे कथक को देखा जाता है. ठीक है, सो 16th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. 17th क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ. जो मुगल पेंटिंग्स थी वो किस राजा के दौरान जो है फ्लोरिश की थी इंडिया में. तो ए है शाहजहां, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर. तो 17th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है मुगल पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया था. ठीक है, सो 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. 18th क्वेश्चन, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा. तो जो सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया था. तो ए है जयदेव, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है बंकिम चंद्र और डी है रविंद्रनाथ टैगोर. तो जो सारे जहाँ से अच्छा है ना, ये सबसे पहले जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया था. और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है. मोहम्मद इकबाल ने जो है उर्दू लैंग्वेज में सारे जहाँ से अच्छा जो है वो कंपोज किया था. अब एक क्वेश्चन है कि जो हमारा जन गण मन है, ठीक है, जन गण मन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है. ठीक है, तो जन गण मन किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो हमारे 18th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल. 19th क्वेश्चन, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी. तो कौन से हिंदू गॉड के जो है ऑनर में रथ यात्रा जो है वो पुरी में सेलिब्रेट की जाती है. तो ए है राम,
बी है जगन्नाथ, सी है शिवा और डी है विष्णु। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सबको पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली ये यात्रा फिर से हुई थी अभी, तो जगन्नाथ जो है उनके लिए जो है ये रथ यात्रा जो है निकाली जाती है पुरी में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है 19 का राइट आंसर है। 20th क्वेश्चन, द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डाइटी, ठीक है। तो कौन से भगवान को जो है एलिफेंटा केव्स जो हैं वो डेडिकेट किए गए हैं। तो ए है शिव, बी है महावीर, सी है विष्णु और डी है बुद्धा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिव जो हैं उनके लिए एलिफेंटा केव्स जो हैं बेसिकली डेडिकेटेड किए गए हैं, और ये जो एलिफेंटा केव्स हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एलिफेंटा केव्स को भी इंक्लूड किया गया है। मैंने अभी पहले आपको बताया था कि एलोरा केव्स जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है एलिफेंटा केव्स, दीज आर लोकेटेड इन नियर बॉम्बे, ठीक है। ये एक आइलैंड पे लोकेटेड है जिसको सिटी ऑफ केव्स बोलते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ केव्स आइलैंड है इन नियर बॉम्बे, वहाँ पे जो है ये लोकेटेड हैं, ठीक है। और ये किन्होंने बनवाए थे जो एलिफेंटा केव्स हैं, ये हमारे बनवाए थे राष्ट्रकूटाज ने, ठीक है। राष्ट्रकूटाज ने जो है एलिफेंटा केव्स जो हैं वो बनवाए थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। राष्ट्रकूटाज मैंने आपको पहले बताया, एलोरा केव्स भी बनवाए थे, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर 20th का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं जितना एक्सप्लेनेशन दे सकती थी क्वेश्चंस के साथ मैंने उतना आपको समझाया भी है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी दी है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में जो है ये ऑप्शंस बैठ जाएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर ऐसी और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से एमसीक्यूज वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड कमेंट सेक्शन में मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर बताइएगा। एंड आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए हैं वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच।